चलो आप ये इक्वेशन देख रहे हैं, इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो इसके पहले हमको सॉल्व करने के लिए एक रूल सीखना पड़ता है। यहाँ पे हमको देखना है कि पहले हमें कौन सी टर्म को सॉल्व करना है, तो उसके लिए एक रूल है। उस रूल का नाम है बॉड मास। क्या नाम है उसका? उसका नाम है बॉड मास, ठीक है। बॉड मास क्या होता है आपको बताता हूँ। देखिए बॉड मास, बॉड मास, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अब इसका मतलब होता है, बी से होता है आपका ब्रैकेट, यानी सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर आप ऑर्डर। ऑर्डर में क्या होता है आपका? स्क्वायर होता है या इंडिसेस होता है, ठीक है ना, इस तरीके की चीज़ें सॉल्व करेंगे। फिर डी से होता है आपका डिवीजन, ठीक है। फिर होता है एम से होता है आपका मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के बाद फिर आप एडिशन, एडिशन और सबस्ट्रैक्शन, राइट, सबस्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे, राइट, ठीक है। फिर क्या ये रूल हम फॉलो करेंगे, इस रूल के तहत हम जो अपना क्रम वाइज ये सब सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बॉड मास रूल मैंने आपको बता दिया, तो सबसे पहले जो हम सॉल्व करेंगे वो क्या है आपका? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट हमको कहाँ दिया है? ब्रैकेट हमको ये दिया है, तो इस वाली चीज़ें हम सॉल्व करेंगे, ये वाली। तो ब्रैकेट के अंदर, क्या क्या मिलता है हमको? ऑर्डर। ऑर्डर में तो हमको स्क्वायर वगैरह कुछ मिल नहीं रहा, ठीक है। तो फिर क्या मिल रहा है हमको? डिवीजन। डिवीजन मिल रहा है तो हम डिवीजन सॉल्व करेंगे। तो क्या आया यहाँ पे? 32 माइनस 2 10, और 4 का डिवाइड हम 16 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2, क्या, -5 इंटू 2 +30, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, राइट। अब उसके बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये बॉड, ये आपका क्या था? हाँ, ये बॉड मास, ठीक है। तो उसके बाद जो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, डिवीजन। डिवीजन के बाद हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, यानी ये सॉल्व करेंगे हम मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या है? 32 माइनस 2 10 प्लस 12, और फिर ये वाला मल्टीप्लीकेशन, -10 प्लस 30, क्वेश्चन मार्क, राइट। फिर उसके बाद हम क्या सॉल्व करेंगे? एडिशन, और फिर उसके बाद सबस्ट्रैक्शन। तो 32 माइनस 2, यानी ब्रैकेट के अंदर ही, सबसे पहले जब तक ब्रैकेट खत्म नहीं हो जाता तब तक हम ब्रैकेट के अंदर ही की चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 12 22, 22 माइनस 10 12, ठीक है, क्या हो जाएगा? 12 और +30, क्वेश्चन मार्क, राइट। अब इसको मैं साफ कर देता हूँ, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, देख लिया होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो हम स्टेप सॉल्व करेंगे वो ब्रैकेट, जब तक ब्रैकेट पूरा ख़त्म नहीं हो जाए तो ब्रैकेट की सॉल्व करेंगे। तो ये 2 इंटू 12, ठीक है ना, 32 माइनस 24 प्लस 30। अब इसके बाद हम सबस्ट्रैक्शन या एडिशन कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एडिशन है तो हम एडिशन सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 30 माइनस 24 कितना हुआ? 30 माइनस 24 हुआ आपका 6, राइट, क्या हुआ? यहाँ पे मैं इसको मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है, क्या हुआ? 32, ये हो गया आपका +6, और इक्वल टू हो गया आपका 38, आपका हो गया आंसर।